चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ गिवन कूलम्बिक फोर्स द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ प्रोटॉन अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स इज नियरली, कितना फोर्स एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही प्रोटॉन पे लग रहा है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो आपको प्रोटॉन का एक्सेलरेशन पता करना है, ठीक है, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1×10⁻³¹ किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन कितना है, 2.5×10⁻22। और प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67×10⁻²⁷ किलोग्राम। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेटर यूज कर लें, पहले लिख लेते हैं प्रॉपरली, 9.1 2.5 / 1.67×10⁻³¹ +22 और +27। चलो जब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर का यूज करके, क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या पुट करते हैं, 9.1 पुट करते हैं, 9.1, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 से, 2.5, ठीक है, 2.5 हो गया। अब यह आया 22.75, डिवाइड करते हैं 1.67 से, 1.67 से डिवाइड करते कितना आ रहा, 13.62 आ रहा है। चलो 13.62 कैलकुलेशन सही किया ना, 2.5 ठीक लिखा, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक लिखे हैं, 9.1 ठीक है, मास ऑफ, ठीक है, एक्सेलरेशन 1.13.62। चलो आगे करते हैं, 13.62 लिख देते हैं यहाँ पर, 13.62×10⁻¹ ये कितना होगा, 47, ये तो हो गया 49 हो गया, 49 माइनस 31 18 हो गया, 18 हो रहा है, तो 1.6 एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन 19 के टर्म में अगर देखा जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.362×10⁻¹⁹ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, 13.62। इसके क्लोजेस्ट कौन सा है, 1.362 के सबसे क्लोज ये वाला ठीक लग रहा है ना, हाँ ये वाला ठीक लग रहा है, सबसे क्लोजेस्ट जो है, जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है ना, इलेक्ट्रॉन का मास भी और प्रोटॉन का मास भी 1. थोड़ा सा और 1.6 कर दोगे इसको प्रोटॉन के मास को तो और क्लोज हो जाएगा, तो सबसे क्लोज ही है, तो सबसे क्लोज आंसर हमको लेना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।